दोस्तों आज हम बात करेंगे पानी के राजाओं के बारे में। जी हाँ, कोई कहता है कि पानी का राजा मगरमच्छ होता है तो कोई कहता है कि पानी का राजा एनाकोंडा होता है। लेकिन वास्तव में क्या होगा यदि मगरमच्छ और एनाकोंडा का आमना सामना हो जाए, कौन होगा विजेता? तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एनाकोंडा से। एनाकोंडा की 3 प्रजाति होती है, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा विशालकाय, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं वो होते हैं ग्रीन एनाकोंडा। अधिकतर एनाकोंडा केवल अमेजन के जंगलों के आसपास पाए जाते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में इन्हीं के पूर्वज बहुत ज्यादा विशालकाय होते थे, जिसको टाइटोनोबोवा का नाम दिया गया है। लेकिन कहते कि आज टाइटोनोबोवा की वंशज एनाकोंडा है। कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि अमेजन के जंगलों में बहुत बड़े बड़े और विशालकाय एनाकोंडा आज भी जीवित हैं। तो आपको बता दें, एक वयस्क एनाकोंडा का वजन होता है लगभग 160 किलो से लेकर 180 किलो तक, और इसकी लंबाई होती है लगभग 25 फीट के आसपास। लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक अमेजन के जंगल में इससे भी लंबे एनाकोंडा हो सकते हैं। आपको बता दें, एनाकोंडा घातलाओं के हमला करता है। ये जमीन पे बहुत ज्यादा सुस्त होता है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, और पानी में इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा अच्छी खासी होती है। ये पानी में दलदली इलाके में घात लगा के बैठा रहता है, जैसे ही कोई जानवर नदी किनारे पानी पीने जाता है, जो उस पर बिजली की तेजी से हमला करता है और अपने जबड़े से उस पर पकड़ बनाता है। उसके पश्चात ये अपनी कुंडली धीरे धीरे उसके ऊपर कसना शुरू कर देता है। जैसे ही अपनी कुंडली अपने शिकार के ऊपर कसता है, इसका शिकार अपनी सांस बाहर छोड़ता जाता है और इसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। और लंबे चले इस मुकाबले में एनाकोंडा का शिकार दम तोड़ चुका होता है। उसके पश्चात एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा का पूरा साबुती निगल जाता है। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल के बारे में, यानी कि मगरमच्छ। दुनिया में मगरमच्छ की बहुत सारी प्रजाति है, लेकिन जो सबसे ज्यादा विशालकाय प्रजाति है उसको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता है। ये भी एनाकोंडा की तरह घात लगा के अपने शिकार पर हमला करते हैं, लेकिन इनकी ताकत इनकी कुंडली नहीं होकर इनके जबड़े होते हैं। इनके जबड़े बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो 3700 PSI का दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि शिकार की गले की हड्डी तक टूट जाती है। एक बार इनके जबड़े में यदि कोई शिकार फंस जाए तो उसका छूट पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक वयस्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का वजन लगभग 1000 किलो तक होता है, यानी एनाकोंडा के मुकाबले 5 से लेकर 6 गुना अधिक। साथ ही यदि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 18 से 20 फीट तक होती है। ये दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजाति है। दोस्तों आपको बता दें, एनाकोंडा हो या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दोनों का पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये एक बार भोजन करने के पश्चात इनको काफी लंबे समय तक भोजन की दोबारा आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने पाचन तंत्र से शिकार की हड्डी सींग आदि सब गला सकते हैं। तो बात आती है, यदि एनाकोंडा और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का आमना सामना होगा तो क्या परिणाम होंगे? ये परिणाम किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। यदि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जगह कोई और मगरमच्छ होता तो निश्चित ही एनाकोंडा से आसानी से विजय प्राप्त कर लेता। लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। यदि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने एनाकोंडा की गर्दन को अपने मुंह में पकड़ लिया तो वो पल भर में एनाकोंडा की गर्दन को उसके शरीर से उखाड़ सकता है। लेकिन यदि वो एनाकोंडा का मुंह पकड़ने में असमर्थ रहा और एनाकोंडा ने अपनी कुंडली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के चारों तरफ कस दी तो थोड़े बहुत लंबे चले मुकाबले के बाद से ही सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपनी सांस बाहर छोड़ता जाएगा, एनाकोंडा की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जाएगी और आखिरकार फिर एनाकोंडा भी विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये समझिए, यदि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एनाकोंडा के बीच मुकाबला होता है तो इस मुकाबले में जीत और हार की संभावना दोनों के पक्ष में 50-50% है। यानी कि कोई भी इस मुकाबले में जीत सकता है, जिसकी अटैक टेक्निक शुरुआत में ज्यादा अच्छी रहेगी वही होगा विजेता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इन दोनों में किसको होना चाहिए विजेता। धन्यवाद दोस्तों।